नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कारक। तो कारक टॉपिक हम विद्यार्थियों क्यों पढ़ते हैं इसको, क्योंकि हमें विकारक शब्द सीखना होता है। विकारक शब्द आपने पढ़े होंगे कि विकारक शब्द उनको कहते हैं जो परिवर्तन करने का काम करते हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसके विकारक के अंतर्गत आते हैं, एक तो लिंग के बारे में पढ़ना होता है, एक हम वचन के बारे में पढ़ते हैं, लिंग वचन कारक के बारे में पढ़ते हैं, काल के बारे में पढ़ते हैं, लिंग वचन कारक काल, एक टॉपिक आता है इसी में वाच्य, और एक आता है पुरुष। तो लिंग वचन कारक काल वाच्य और पुरुष। तो विद्यार्थियों, इस कारक टॉपिक को हम पृथक से चर्चा करेंगे, और आज इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हम। साथ ही मैं लिंग अलग से पढ़ाऊंगा, मैं आपको वचन भी पढ़ाऊंगा, और जो वाच्य टॉपिक है वाच्य के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। और पुरुष तो जैसे सर्वनाम टॉपिक पढ़ते हैं तो सर्वनाम टॉपिक के साथ हो जाता है, और इसके अलावा जो काल है वो क्रिया टॉपिक के साथ मैंने पढ़ा दिया आपको, वहां देख लेना आप। आगे देखते हैं जब कारक के बारे में, तो कारक कारक को इंग्लिश में विद्यार्थियों कैसे बोलते हैं। देखो, कारक का अगर अर्थ की बात करें, कारक कहते किसे हैं, यानी कि क्रिया को करने वाला या क्रिया से संबंध कराने वाला, अर्थात क्रिया को संपन्न करने में किसी न किसी प्रकार की जो भूमिका को निभाने वाला होता है वो कारक होता है। परिभाषा क्या दे रखी है, वे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपने जैसे कई बार कारक का नाम सुना है कि जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो विद्यार्थियों, राम ने खाना खाया तो राम वाक्य का कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है। यहां खाना कर्म कारक है, ठीक है। तो खाना, राम खाना, ये सब कारक है, लेकिन कौन कौन से, इधर तो कर्ता कारक है और उधर कर्म कारक है। खाया जो है वो क्रिया है विद्यार्थियों, क्या है, क्रिया। और ने इसका एक विभक्ति चिन्ह है, क्या है, विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह क्या होती है, कारक क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा एक, चलो खाली पेपर ले। देखिए, अगर बात करें कारक किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता हो उन्हें कारक कहते हैं। कारक विद्यार्थियों कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल कारक होते हैं और एक तिर्यक कारक होते हैं। मूल कारक उनको कहते हैं जिनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता हो, और तिर्यक कारक उन्हें कहते हैं जिनके साथ विभक्ति चिन्ह आता हो। इसके अलावा जो विभक्तियां हैं, हिंदी में विभक्ति की बात करें तो विभक्ति का दो रूप होता है विद्यार्थियों। एक तो संश्लिष्ट रूप होता है, कौन सा रूप होता है, संश्लिष्ट रूप होता है, और एक विश्लिष्ट रूप होता है। एक तो संश्लिष्ट है और एक विश्लिष्ट है, कौन सा है विद्यार्थियों, विश्लिष्ट है। तो विभक्ति के दो रूप मिलते हैं, संश्लिष्ट रूप और विश्लिष्ट रूप। संश्लिष्ट रूप में जो विभक्ति चिन्ह है वो जुड़े हुए रहते हैं, और विश्लिष्ट में अलग अलग होता है। और संश्लिष्ट ज्यादातर सर्वनाम में देखने को मिलता है विभक्ति का रूप, और ये संज्ञा शब्दों के साथ देखने को मिलता है। तो विभक्ति के तो दो रूप होते हैं, संश्लिष्ट रूप और विश्लिष्ट रूप। और कारक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मूल कारक और तिर्यक कारक। मूल कारक किसे कहते हैं, जिनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ा हो उसे मूल कारक कहते हैं, और तिर्यक कारक किसे कहते हैं, जिसके साथ विद्यार्थियों विभक्ति चिन्ह जुड़ा हो उसे तिर्यक कारक कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या देख रखा है। देखिएगा, व्याकरण में कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो ये स्पष्ट करती है कि वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध क्रिया के साथ तथा अन्य शब्दों के साथ क्या होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा किस प्रकार से दे रखी है, जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और क्या दे रखा है, कारक और क्रिया में संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या चरम प्रत्यय कहते हैं। आगे देखिए, कारक के परसर्ग या विभक्ति किसे कहते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था विभक्ति चिन्ह कह दो या कारक चिन्ह कह दो या परसर्ग कह दो, विद्यार्थियों बात एक ही है। और जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके इस सिलेबस में, आपका जो सिलेबस दे रखा है उसमें दिया हो रहता है, एसआई में क्या दे रखा है, परसर्ग दे रखा है।
तो देखिए इस टॉपिक को कब कब पढ़ना होता है, जब आपके सिलेबस में कारक दे रखा हो, कारक चिन्ह दे रखा हो, विभक्ति चिन्ह दे रखा हो, या फिर परसर्ग दिया हो, या फिर ये जो कार्य के रूप दिए रखा हो, तो भी हमें इसके बारे में पढ़ना होता है। और अगर सर्वनाम समझने के लिए भी कारक को पढ़ना पड़ता है, तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के कारक को प्रकट करने के लिए जो कारकीय चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कारकीय परसर्ग कहते हैं, या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, या इन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु वाक्य में हर संज्ञा सर्वनाम के साथ वह प्रयुक्त हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। आगे देखिए, जैसे विद्यार्थियों आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है, राम ने सुरेश को पीटा था, तो यहां पर जो राम है ना ये कारक है और ने विभक्ति चिन्ह है। ने क्या है? विभक्ति चिन्ह कह दो इसको, या कारक चिन्ह कह दो, या परसर्ग कह दो। और सुरेश, वापिस सुरेश क्या आ गया विद्यार्थियों? कारक। और को क्या आ गया? ये कारक चिन्ह कह सकते हो आप इसको, या विभक्ति चिन्ह कह सकते हो। और जो पीटा था ये क्रिया है वाक्य की। एक और उदाहरण दे रखा है, राम खाना खाता है, तो विद्यार्थियों राम कारक है, ध्यान रखना। वो बात की बात है, कर्ता कारक है क्या? खाना भी कारक है और खाता है ये क्रिया विद्यार्थियों, ये क्या है? क्रिया। तो कई बार तो कुछ शब्द ऐसे मिल रहे हैं आपको, कर्ता कर्म, जिनके साथ विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, और कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। तो आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह जुड़कर यानी कि विभक्ति के संश्लिष्ट रूप में प्रयुक्त होते हैं, तथा संज्ञा शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, उसको विभक्ति का विश्लिष्ट रूप कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों यहां लिखा हुआ राम को, क्या लिखा हुआ है? राम को, तो को विभक्ति चिन्ह और राम ये दोनों अलग अलग शिरोरेखा से हैं, तो इसको विश्लिष्ट रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्लिष्ट रूप। लेकिन देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है? मैंने। तो विद्यार्थी इसमें मैं सर्वनाम है और ने कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है इसमें, तो जब जाके मैंने बना है, ये मैंने बना है विद्यार्थियों। तो जो सर्वनाम होते हैं उनके साथ विभक्ति चिन्ह जुड़े हुए आते हैं उसको विभक्ति का संश्लिष्ट रूप कहते हैं, और जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ अलग से आते हैं इसलिए उसको विभक्ति का विश्लिष्ट रूप कहते हैं। आगे देखिएगा, कारक दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, एक तो होता है तिर्यक कारक और एक होता है मूल कारक। कारक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, और ये दो कौन कौन से होते हैं? तिर्यक कारक और मूल कारक। जिनके साथ विभक्ति नहीं होती हो, ऐसे कारक जिनके साथ कोई विभक्ति नहीं हो उसे मूल कारक कहते हैं, और जिसके साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ा हो उसे तिर्यक कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, काइंड्स ऑफ केस, हिंदी में तो विद्यार्थी आठ होते हैं। आपसे पूछा जाए हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आपको आठ बताना है। वही अगर संस्कृत में पूछ ले तो छह बताना है। देखिए संस्कृत में एक तो संबंध कारक को और एक संबोधन कारक को कारक का भेद नहीं माना जाता है। हिंदी में तो मानते हैं संबंध और संबोधन को, लेकिन संस्कृत में नहीं मानता। विद्यार्थियों अगर बात करें कि एक जो वाक्य होता है उसमें कितने कारक आ सकते हैं, एक दो तीन चार, विद्यार्थियों हिंदी में कारकों की संख्या मानी गई आठ। तो कुछ ऐसे वाक्य भी आपको मिल सकते हैं जो एक ही वाक्य में आठों के आठ कारक भी हो सकते हैं। जैसे विद्यार्थी एक उदाहरण दिया हुआ है, हे बच्चों राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा, एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस वाक्य को देखकर आप ये बता सकते हैं इसमें आठों के आठ कारक है। तो विद्यार्थियों हे बच्चों यहां पर तो काम कर रहा है संबोधन कारक, राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, बाण से यहां पर करण कारक काम कर रहा है, सीता के लिए संप्रदान कारक काम कर रहा है, अयोध्या से पृथक होने के भाव में आ रहा है, अयोध्या से रावण की लंका में जाकर, मतलब अयोध्या से अलग हुआ है, जो जिससे अलग हुआ जाता था वो अपादान कारक है, रावण की संबंध कारक है, यहां तक लंका में अधिकरण और जाकर मारा, ये क्रिया विद्यार्थियों, ये तो क्या है? क्रिया। तो ये वाला जो पार्ट है, हे बच्चों, और ये विस्मयादि बोधक, ये संबोधन चिन्ह भी आएगा, ये तो संबोधन कारक का उदाहरण है। किसका है? संबोधन कारक का उदाहरण है। राम ने ये कारक है लेकिन कर्ता कारक का उदाहरण है, रावण को
विद्यार्थियों ये जाएगा कर्म कारक में, किसमें जाएगा कर्म कारक में जाएगा, और बाण से ये करण कारक में जाएगा, साधन का काम कर रहा है इसलिए करण कारक में चला जाएगा। सीता के लिए तो ये वाला सीता के लिए जाएगा संप्रदान कारक में, किसमें जाएगा संप्रदान कारक में जाएगा। अयोध्या से ये विद्यार्थियों जाएगा अपादान कारक में, किसमें जाएगा अपादान कारक में जाएगा। रावण की संबंध बता रहा है तो संबंध कारक में जाएगा, किसमें जाएगा संबंध कारक में जाएगा। लंका में तो ये जाएगा विद्यार्थियों अधिकरण कारक में, किसमें जाएगा अधिकरण कारक में जाएगा। ठीक है, जाकर मारा ये क्रिया है। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, अब सबसे पहले आता है कर्ता कारक। देखिए मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, आठ कारक होते हैं, यहां लिखा नहीं है, मैं अलग से लिख के बता देता हूं आपको एक साथ। देखिए एक तरफ लिखना है आपको कारक का नाम, क्या लिखना है कारक का नाम लिखना है, और विद्यार्थियों एक तरफ लिखना है कारक की विभक्ति चिन्ह, या आप इसको कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह बोल सकते हैं। कारक चिन्ह नहीं बोलो तो इसको परसरक कह सकते हैं, परसरक अगर नहीं कहो तो इसको आप चरम प्रत्यय कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं चरम प्रत्यय भी बोल सकते हैं, चरम प्रत्यय। तो कारक चिन्ह कहो, परसरक कहो, चरम प्रत्यय कहो या विभक्ति चिन्ह कहो, बात एक ही है। ठीक है विद्यार्थियों, और एक तरफ आएगा कारक का नाम। तो देखिए एक जैसे सबसे पहले कौन सा कारक आता है कर्ता कारक। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है ने, लेकिन कभी कभी बिना विभक्ति चिन्ह के भी कर्ता प्रयुक्त हो जाता है, मुख्य रूप से तो ने कर्म को विभक्ति चिन्ह आएगा, और कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, बिना विभक्ति चिन्ह के भी आ जाता है। करण मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह होता है से, या फिर आता है द्वारा, या फिर आ जाता है के द्वारा। क्या आ जाता है विद्यार्थियों से द्वारा या के द्वारा आ जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक के बारे में, कौन सा कारक संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में क्या आएगा विद्यार्थियों के लिए, मुख्य रूप से क्या है के लिए का प्रयोग होता है, हालांकि कभी कभी को का प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन को कारक चिन्ह का प्रयोग देना क्रिया के साथ में आता है। और यहां पर जो से आया है वो साधन या उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक होता है विद्यार्थियों अपादान कारक, कौन सा होता है अपादान कारक, और अपादान में भी से प्रयुक्त होता है, लेकिन यहां पर जो से आता है वो पृथक होने के भाव में आता है। देखिए साथियों मैंने कोशिश की है कर्ता, चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, जितने भी कारक है उन कारक को बड़ा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की। एक तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ठीक है। और उसके बाद में आता है संबंध कारक। संबंध में विद्यार्थियों संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है का के की, या फिर ना ने नी, या फिर आता है विद्यार्थियों रा रे री। इसी प्रकार एक होता है अधिकरण कारक, कौन सा होता है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में आते हैं मैं और पर, और कभी कभी को कारक चिन्ह का प्रयोग भी हो जाता है। और इसी प्रकार एक कारक होता है संबोधन कारक, कौन सा होता है संबोधन, और इसके पहचान होती है या विभक्ति चिन्ह होते हैं ए अरे, ये जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं वो होते हैं एक प्रकार से। तो इस प्रकार ये आठ कारक हो जाते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, ये आठ कारक हो जाते हैं हिंदी में। तो विद्यार्थियों हिंदी में एक तो किसको संबंध कारक को कारक का भेद नहीं माना जाता संस्कृत में, और एक संबोधन को नहीं माना जाता हिंदी में, तो इनको मानते हैं संस्कृत में इनको नहीं मानते। आगे देखते हैं, तो विद्यार्थी आठों के आठ कारक भी किसी एक वाक्य में हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता, देखो कर्ता शब्द है विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है करने वाला, क्या होता है करने वाला, यानी कि वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम शब्द क्रिया को संपन्न करता है उसे क्या कहते हैं कर्ता कारक कहते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया को करने वाले का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं कर्ता कारक। कोई सी भी परिभाषा देख सकते हैं, दो दो तीन तीन प्रकार की परिभाषाएं लिखी हुई है। अतः क्रिया के करने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं, क्योंकि बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं हो पाती, इसलिए उसको क्या कहते हैं कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता को अगर किसी वाक्य में कर्ता क्या है,
कर्ता को पता करना है कर्ता के बारे में, तो विद्यार्थियों जो वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होती है, क्या होती है क्रिया, उसे प्रश्न कर लो किसने या कौन है। जैसे विद्यार्थियों राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है क्रिया क्या है यहां पर, जाता है, जाता है से प्रश्न करो कौन जाता है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है राम, तो वाक्य का कर्ता कौन हुआ राम। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता विभक्ति सहित हो तब क्रिया किसने प्रश्न करने पर प्राप्त शब्द कर्ता कारक होगा, और क्रिया से किसने प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में क्रिया पर कौन प्रश्न करो। तो मैंने यही तो कहा या तो किसने से प्रश्न कर लो या कौन से प्रश्न कर लो। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ये वाक्य है, तो खाया, खाया क्रिया से प्रश्न करो किसने खाया, तो राम ने, उत्तर आ गया राम ने, तो राम तो कर्ता है, कर्ता कारक है, और ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, ने क्या विद्यार्थियों कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, आगे देखते हैं, कर्ता का जो मुख्य विभक्ति चिन्ह है वो तो क्या होता है कर्ता ने, क्या होता है ने, और कई बार बिना विभक्ति चिन्ह के भी प्रयुक्त हो जाता है कर्ता कारक, और लेकिन इसके अलावा पहचान क्या होती है, कई बार बिना चिन्ह के आ जाता है लेकिन कभी कभी को से द्वारा या के द्वारा आ जाता है। तो विद्यार्थियों हम बचपन से पढ़ते आए सर ये को तो हम कर्ता ने कर्म कर्म में पढ़ा को, और से द्वारा के द्वारा तो हमने कर्ण में पढ़ा है। विद्यार्थियों इसमें भी जा सकता है लेकिन बशर्ते वो क्रिया को संपन्न करने का काम करना चाहिए। देखो कर्ता कारक की मुख्य विभक्ति चिन्ह ने है, क्या है ने, मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, जब क्रिया सकर्मक या पूर्ण कृदंत या भूतकाल में हो तब कर्ता के साथ सदैव ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक या सकर्मक वर्तमान काल या भविष्य काल में हो तब कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। को विभक्ति का प्रयोग होना पढ़ना चाहिए क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्ता के साथ को विभक्ति चिन्ह आती है, तो कर्ता के साथ को विभक्ति चिन्ह भी आ सकती है। से या के द्वारा विभक्ति चिन्हों का प्रयोग जब वाक्य क्रमवाच्य भाववाच्य का हो तब कर्ता कारक के साथ से या के द्वारे का प्रयोग भी होता है। आगे देखते हैं, कर्ता कारक के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो विद्यार्थियों पढ़ता है ये तो वाक्य की क्रिया हो गई, ये तो क्या हो गई क्रिया, और राम क्या हो गया विद्यार्थियों वाक्य का कर्ता। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो अभी हम कर्ता कारक पढ़ रहे हैं, राम यहां पर कर्ता कारक है और पढ़ी विद्यार्थियों क्रिया है, और पुस्तक केच का काम कर रहा है यहां पर कर्म का काम कर रहा है, पुस्तक किसका काम कर रहा है कर्म का काम कर रहा है। राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, तो राम ने ये कर्ता कारक है और ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। गुंजन हस्ती है, तो यहां पर गुंजन कर्ता कारक है, हस्ती है क्या है क्रिया है। सुनीता विद्यालय जाती है, तो सुनीता विद्यार्थियों कर्ता कारक है, और छात्रा पढ़ती है, तो छात्रा क्या है यहां पर कर्ता कारक। हमको दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली जाना है, तो विद्यार्थियों यहां देखो कर्ता के साथ क्या आ गया को, क्या आ गया को। आगे देखते हैं, राम पढ़ने जाएगा, तो इस वाक्य में राम तो क्या है कर्ता, पढ़ने जाएगा क्या विद्यार्थियों क्रिया है, ध्यान रखना, एक और वो भी कैसी क्रिया है संयुक्त क्रिया है, ये पढ़ने जाएगा कैसी क्रिया विद्यार्थियों संयुक्त क्रिया। अगला वाक्य देखिए, राम को कल जयपुर जाना है, राम को कल जयपुर जाना है, तो राम करता है और को कारक चिन्ह आ रहा है यहां पर, और यहां पर विद्यार्थियों कर्ता के साथ आया है इसलिए को कारक चिन्ह भी प्रयुक्त हो सकता है। मुझसे आज खेला नहीं जाएगा, तो विद्यार्थी यहां पर करता है मुझसे। उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, तो उसके द्वारा, तो के द्वारा आ रहा विद्यार्थियों, तो यहां उस क्या है यहां पर करता है के द्वारा, उसका विभक्ति चिन्ह है। राम के द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया, तो राम करता है और उसके द्वारा साथ आ रहा है। छात्रों को परिश्रम करना चाहिए, तो छात्र यहां पर क्या करता है, छात्र क्या विद्यार्थियों कर्ता कारक है। आगे देखते हैं, उनको इंतजार करना चाहिए था, उन यहां पर कारक है वो भी कर्ता कारक। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कारक अभिषेक है,
सुरेश को कोट बनाना है, तो कोट बनाने का काम कौन करेगा? सुरेश ही करेगा, तो सुरेश कर्ता कारक है। वर्षा गाना गाती है, यहां पर कर्ता कारक है। आलोक ने पत्र लिखा, तो यहां विद्यार्थियों आलोक कर्ता कारक है। इसी प्रकार सुनीता को आज आना है, सुनीता यहां पे कर्ता कारक है और को तो कर्ता का कारक चिन्ह है। सुनीता द्वारा खाना बना लिया गया, तो ये कर्ता कारक है। सूर्य चमकता है, सूर्य करता है विद्यार्थियों। सुनीता से चला नहीं जाता, सुनीता यहां पर करता है। बादल गरजते हैं, तो बादल यहां पर कर्ता कारक है। मोहन गया, तो मोहन यहां पर कर्ता कारक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, माया ने अध्ययन किया, तो यहां पर माया, तो विद्यार्थियों माया तो है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। और जो ने आया ना, वो कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। वो क्या है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। अध्ययन किया, अध्ययन तो विद्यार्थियों कर्म में जाएगा, और किया किस में जाएगा? ये जाएगा विद्यार्थियों या क्रिया में जाएगा। किस में जाएगा? क्रिया में। मृणाल ने यात्रा की, तो मृणाल विद्यार्थियों कर्ता कारक है। मोहन व्यायाम करता है, कर्ता कारक है। मोहिनी खेल खेलेगी, कर्ता कारक है। हमें सो जाना चाहिए, हमें सो जाना चाहिए, तो विद्यार्थियों हमें यहां पर कारक, कर्ता कारक है। मुझे अवश्य जाना है, मुझे अवश्य जाना है, यह मुझे कर्ता कारक है। मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, तो मोहन यहां पर कर्ता कारक का काम कर रहा है विद्यार्थियों। बच्चों के द्वारा कर्तव्य किए गए, तो बच्चा यहां पर कर्ता का काम कर रहा है। श्याम को कल जयपुर जाना है, तो श्याम यहां पर कर्ता कारक का काम कर रहा। मुझसे आज खेला नहीं जाएगा, पहले आ गया। उसके द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया, उसके यहां पर कर्ता कारक है। आगे देखिए, राम द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया, राम यहां कर्ता कारक का काम कर रहा है। उसने मेला देखा, उसने ये कर्ता काम कर रहा है। राम ने मेला देखा, तो विद्यार्थी राम कर्ता का काम कर रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम कर्ता का काम कर रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो राम यहां पर किसका काम कर रहा है? कर्ता कारक का काम कर रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, देखो काल कोई सा है लेकिन कर्ता सेम है। राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तीर्ण हो जाता, तो यहां पर राम कर्ता है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस कर्ता है विद्यार्थी यहां पर। इसी प्रकार बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक यहाँ पे कर्ता कारक है। चरवाहा गायों को चरा रहा है, तो चरवाहा कर्ता कारक है। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, तो उसने उसने विद्यार्थियों यहाँ पे कर्ता कारक का काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये कर्ता कारक अपना कंप्लीट हो गया। कर्ता के बाद में आता है विद्यार्थियों कर्म कारक। क्या होता है? कर्ता, कर्म, फिर करण आएगा, तो कर्म कारक। कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह आते हैं वो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और कभी कभी कोई कारक चिन्ह नहीं आता, लेकिन से भी आ जाता है कई बार। क्या जाता है? से। देखो कर्म कारक का जो मुख्य विभक्ति चिन्ह है वो तो क्या है विद्यार्थियों? ये को ही होता है। क्या होता है? को होता है। वाक्य में क्रिया का फल, मतलब कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जिस संज्ञ सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञ या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। विद्यार्थियों तीन तीन प्रकार की मैंने यहां पर परिभाषा लिखी हुई है, जो भी आपके समझ में आए उसको पढ़ लेना। फिर भी आपके समझ में नहीं आए कि कर्म कारक किससे कहते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है उससे प्रश्न करना क्या और किसको, क्या और किसको प्रश्न करना विद्यार्थियों, जो क्रिया होती है उससे प्रश्न करना, या तो प्रश्न करना क्या और नहीं तो प्रश्न करना किसको, और कई बार किसे ये भी कर सकते हैं हम, क्या किसको किसे। अगर ये प्रश्न करने पे जो उत्तर प्राप्त होता है वो संभवतः वाक्य का कर्म कारक होगा। अगर आपको कोई उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वो वाक्य का कर्म कारक होता है। नोट, यदि वाक्य की क्रिया द्विकर्मक है तो वस्तु बोधक कर्म प्रधान तथा प्राणी बोधक कर्म गौण होता है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम कर्म को पढ़ते हैं तो कर्म भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विद्यार्थियों गौण कर्म। कैसा होता है? गौण कर्म। और एक होता है मुख्य कर्म। जो विद्यार्थियों अप्राणीवाचक है, कैसा? अप्राणीवाचक है, वो तो मुख्य कर्म है। और जो प्राणीवाचक है वो गौण कर्म है।
विद्यार्थियों मुख्य कर्म और गौण कर्म में पहचान क्या होती है? गौण कर्म का तो उत्तर हमें प्राप्त होता है विद्यार्थियों किसको से, किससे होता है? किसको से। और मुख्य का प्राप्त होता है क्या से, किससे होता है? क्या से। और ज्यादातर मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है और गौण कर्म क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म क्रिया के नजदीक होता है और गौण कर्म विद्यार्थियों क्रिया से थोड़ा दूर होता है। देखिए मुख्य कर्म की पहचान है कि वह क्रिया के समीप रहता है तथा उसमें विभक्ति नहीं लगती है, जबकि गौण कर्म क्रिया से दूर रहता है और उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है? को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। को विभक्ति का प्रयोग प्राय सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं। यद्यपि कर्म कारक की मूल विभक्ति को है, किंतु कभी कभी से विभक्ति चिन्ह का भी कर्म कारक के साथ प्रयुक्त हो जाता है। मतलब कर्म कारक की जो मुख्य विभक्ति चिन्ह है वो तो क्या विद्यार्थी? को। लेकिन कभी कभी आपको वाक्य में से देखने को मिल सकता है और कभी कभी तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आती, तो वो उसका भी ध्यान रखना। से विभक्ति का प्रयोग जैसे पूछना, कहना आदि क्रियाओं के साथ कर्म कारक के साथ को स्थान पर से का प्रयोग हो जाता है। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है या स्वाभाविक क्रियाओं में कर्म को ज्ञात करने में, यानी कि जात करने में, ठीक है। और अब ये कर्म कारक के उदाहरण आपके सामने, जैसे राम ने सुरेश को पीटा, तो विद्यार्थियों राम तो है यहां पर कर्ता कारक, राम तो क्या है? कर्ता कारक है। और ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। सुरेश यहां पर कर्म कारक है विद्यार्थियों, कौन सा कारक है? कर्म कारक। को कर्म का विभक्ति चिन्ह, कर्म का विभक्ति चिन्ह है विद्यार्थियों। पीटा, पीटा विद्यार्थियों क्रिया है, क्या है? क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्या विद्यार्थियों? क्रिया। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ तो क्या है? कर्ता। माँ क्या विद्यार्थियों? कर्ता कारक है। और बच्चे को कर्म कारक, दूध भी क्या है? कर्म। तो यहां पे कर्म दो आ रहे हैं, यहां पे कर्म दो आ रहे हैं। जब कर्म दो आते हैं तो एक तो मुख्य कर्म होता है, एक गौण होता है। तो जो क्रिया के नजदीक कौन सा विद्यार्थी? यहां पर दूध, तो ये मुख्य कर्म है। ये कैसा है? मुख्य कर्म। और बच्चा थोड़ा दूर है इसलिए गौण कर्म में आ जाएगा। देखो द्विकर्मक जो क्रिया जहां प्रयुक्त हो जाती है, जिनके साथ दो कर्म आ जाते हैं, तो वहां पर एक तो मुख्य कर्म हो जाता है, एक गौण कर्म हो जाता है। राम श्याम से द्वेष रखता है, तो श्याम यहां विद्यार्थियों कर्म कारक का काम कर रहा है, सॉरी कर्म कारक का काम कर रहा है। शिक्षक ने छात्र से पूछा, प्रश्न किया, तो ये भी विद्यार्थियों किस में चला जाता है? कर्म में चल जाएगा। राम लक्ष्मण से प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मण किस में जाएगा? यहां पर कर्म कारक में जाएगा। सुरेश ने रमेश को सामान भेजा, तो विद्यार्थियों सुरेश ने रमेश को सामान भेजा, यहां पर यह भी कर्म कारक है और ये भी कर्म कारक है, और दोनों आ जाए तो ये मुख्य है और ये वाला गौण है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, सुरेश दूध पीता है, तो दूध कर्म कारक है। सुरेश कुत्तों को मारता है, तो कुत्ता यहां पर कर्म कारक है। सुरेश भोजन करता है, तो भोजन कर्म कारक का काम कर रहा है। राम ने श्याम से पूछा, तो श्याम यहां पर पर्सन, सॉरी श्याम जो है यहां पर कर्म कारक है। सुरेश ने मुकेश से कहा, तो मुकेश यहां पर कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, रावण यहां पे कर्म कारक है। रंजन पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक या रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पुस्तक कर्म का काम कर रहा है। रजनी ढोलक बजा रही है, तो ढोलक कर्म का काम कर रहा है विद्यार्थियों। राजन गेंद खेल रहा है, गेंद यहां पर विद्यार्थियों कर्म का काम कर रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो अर्जुन कर्म कारक है यहां पर। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो यहां पर यह कर्म कारक का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, राम ने रावण को मारा, तो रावण कर्म कारक है। दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है, तो ग्राहक एक तो कर्म हो गया, एक हो गया दूध कर्म, दो कर्म आ रहे हैं। तो दूध तो मुख्य कर्म है और ग्राहक गौण कर्म है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो बच्चा भी कर्म है और खाना भी कर्म है। बच्चा गौण कर्म है और खाना मुख्य कर्म है। कुर्सी को मत तोड़ो, तो यहां कुर्सी विद्यार्थियों कर्म कारक का काम कर रहा है, और इसमें कर्ता का अभाव है, इस वाक्य में कर्ता नहीं है। अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहा है, तो बच्चों को, तो यहां विद्यार्थियों आएगा किस में? कर्म कारक में। मोहन सोन से द्वेषता रखता है, तो
तो सोन कर्म कारक का काम कर रहा है, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया तो विद्यार्थी यहां पर कर्म कारक का काम कर रहा है। राम सीता से प्रेम करते हैं तो सीता यहां पर कर्म कारक है। पुस्तक को मत फाड़ो, यहां पुस्तक कर्म का काम कर रहा है। उसको प्यास लगी है, कर्म कारक का काम कर रहा है। राम को बुखार हो रहा है, बुखार कर्म कारक का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है विद्यार्थियों, जैसे भारत ने जापान को हराया तो रमेश उस पुस्तक को पढ़ो, तो ये कर्म कारक का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कर्म काम का कर रहा है। और इनके साथ अप्राणीवाचक होते हुए, यानी प्राणीवाचक नहीं होते हुए भी को कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो मैंने मना किया था भाई को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी को कारक चिन्ह का प्रयोग भी हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने कारक के बारे में सामान्य जानकारी ले ली, यानी कारक दो प्रकार के होते हैं, मूल कारक और तिर्यक कारक, और फिर आठ भेद होते हैं। संस्कृत में छह माने गए, हिंदी में आठ माने गए। उसके अलावा विभक्ति, जैसे ने को, ये सब विभक्ति चिन्ह है, इनको कारक चिन्ह भी कहते हैं, इनको परसर्ग भी कहते हैं, इनको चरम परतय भी कहते हैं विद्यार्थियों। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम करण कारक से चर्चा करेंगे। आपको कर्ता और कर्म कारक उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। थैंक यू मित्रों।